एकुंकार सतनाम करतापुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द टॉपिक एलोट्रोपिज्म एंड एलोट्रॉपी एलो एलोट्रॉप्स अब एलोट्रापिज्म होता क्या बेसिकली देखिए एक केमिकल एलिमेंट है दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं अब इसका देसी भाषा में मतलब क्या होगा अब सभी को पता कि कार्बन से डायमंड भी पूरा कार्बन से बना ग्रेफाइट भी कार्बन से बना पूरा और डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फर्क है मींस प्रॉपर्टी मींस ये हमारे पास क्या एलोट्रापिज्म का मतलब क्या है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ़ अ केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स जैसे केमिकल एलिमेंट एक ले लेते कार्बन कार्बन से मीन्स डायमंड भी पूरा कार्बन से बना ग्रेफाइट भी पूरा कार्बन से बना दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है दैट्स वाई इनको हम डायमंड ग्रेफाइट बकमिंस्टर फुलरीन ये हमारे एलोट्रॉप्स हो गए कार्बन के बने कार्बन के साथ हैं पर प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो इन सभी प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दैट आर एलोट्रॉप्स सो एलोट्रॉपिज़म की डेफिनेशन क्या होगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स एंड दैट टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स कार्बन के आपको एलोट्रॉप बताएं डायमंड ग्रेफाइट बकमिंस्टर फुलरीन तो अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है वो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है बेसिकली बने कार्बन के साथ है ज़मीन आसमान में प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क इसलिए है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है अब वो स्ट्रक्चर देखिएगा कि स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है उसको ध्यान से देखना तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ कि कैसे मीन्स इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ गया तो अब स्ट्रक्चर देखिएगा सबसे पहले मैं आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट एक ग्रीस ग्रीस को हम ग्रेफाइट कह देते हैं ग्रीस ग्रीस भी ग्रेफाइट है तुम्हारे मीन एक ये लिक्विड इन स्टेट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है और दूसरा एक डायमंड है डायमंड क्या है इट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस ग्रेफाइट बहुत स्लिपरी सब्सटेंस है डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जबकि ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बने दोनों कार्बन के साथ है फर्क क्यों है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है सबसे पहले मैं आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जरा मैं आपको अभी स्क्रीन दिखा रहा हूं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन वहां से आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिएगा सो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है मींस ये कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मींस ऐसे लेयर्स बनी हुई है मींस आपको एग्जाम में आ गया तो आपको ऐसे दो लेयर मींस तीन लेयर वाला स्ट्रक्चर दिखाता हूँ वहां से अच्छा लगेगा Means ये जैसे थ्री लेयर फर्स्ट लेयर सेकेंड लेर्ड लेर्स्ट लेकर ले हमारे पास लेयर मीन्स बड़ी सारी लेयर्स होती है और ये जैसे देखिए यहां से ज्यादा समझ आएगा फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर के साथ लिंक नहीं है फर्स्ट लेयर का लिंक थर्ड लेयर के साथ है देखो फर्स्ट का थर्ड के साथ मींस वन टू थ्री ऐसे थ्री लेयर मींस ऐसे देखो कितनी लेयर शो करी हुई है फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर सिक्स लेयर फर्स्ट लेयर का लिंक हमेशा किस लेयर के साथ होगा थर्ड लेयर के साथ होगा मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है और देखिए कि ये जो सा स्ट्रक्चर है इसमें देखो हैक्सागनल स्ट्रक्चर है देखो कितने कार्बन एटम्स लिंक्ड है एक दो तीन चार पाँच छः हेक्सागनल स्ट्रक्चर है हमारे पास ये हेक्सागनल स्ट्रक्चर है बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और हर लेयर के बीच में एक फोर्स होती है उसे वेंडर वॉल फोर्स कहते हैं मीन्स ये वेंडर वॉल फोर्स बहुत कम फोर्स होती है हर इसीलिए स्लिपरी होता है ये वेंडर वॉल फोर्स वी ए एन डी ई आर वी डब्ल्यू ए डब्ल्यू डबल ए एल एस यहाँ पे लिखा हुआ है वेंडर वॉल्व बॉन्ड्स ये तो कोवलेंट बॉन्ड्स है पर लेयर के बीच वाला जो उन बॉन्ड है वो वेंडर वॉल बॉन्ड्स हैं ये वेंडर वॉल बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं इसी कारण ये इस स्लिपरी टू टच होता है ग्रेफाइट सो so हमने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको बताया ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं फर्स्ट लेयर हमेशा किसके साथ लिंक होगी थर्ड लेयर के साथ ठीक है जी और बेसिकली जोन सी ये वाले बॉन्ड्स हैं आपसी में बॉन्ड्स हैं हर लेयर के एक लेयर के बीच वाले बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड अब ये जैसे फर्स्ट लेयर है इसका थर्ड हेयर के साथ लिंक है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा मीन्स वेंडर वॉल बॉन्ड्स होंगे वेंडर वॉल फोर्सिस कह सकते हैं या वेंडर वॉल बॉन्ड्स कहेंगे तो अब ये हेक्सागनल स्ट्रक्चर है स्लिपरी टू टच इसलिए है क्योंकि ये वेंडर वॉल बॉन्ड्स है मीन्स ये वेंडर वॉल बॉन्ड्स बहुत वीक है मीन्स ये तो कोवलेंट ही आपसी ये जो इनके बॉन्ड्स हैं हर एक लेयर के बीच में कोवलेंट है जब एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ ये बॉन्ड्स के साथ जैसे ये लाइंस है ना ये बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रही है एक लेयर में कोवलेंट बॉन्ड है बस एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ जब कनेक्शन होगा वो हमारा वेंडर वॉल बॉन्ड होगा ये बहुत वीक होता है जिसकी वजह से ये बहुत स्लिपरी होता है मीन्स तभी तो वो लिक्विड स्टेट का होता है और अब ये देखो ग्रेफाइट जो उन है ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ देखो यहाँ पे हैक्सागनल रिंग्स हैं एक कार्बन दो कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन पांचवा कार्बन छवा कार्बन ऐसे ये रिंग्स है अब हर कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं पर यहाँ पे हर कार्बन के तीन बॉन्ड्स बने होंगे मीन्स चौथा इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा मीन्स चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन है और मीन्स तीन बॉन्ड्स बना लिए एक मीन्स हर कार्बन एटम ने तीन बॉन्ड तो बना लिए मीन्स यानी सात इलेक्ट्रॉन्स हो गए पर एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम का फ्री होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी भी चीज़ के पास हो तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है और स्लिपरी टू टच क्यों है वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया सो so, अब ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया अब डायमंड का स्ट्रक्चर देखिएगा डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ ठीक है मीन्स ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका स्ट्रक्चर वैसा है जो उसको ये प्रॉपर्टीज दे रहा है बना वो भी कार्बन से है तो हम डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में कर रहे हैं डायमंड का स्ट्रक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ डायमंड का स्ट्रक्चर बेसिकली हाइड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें हेक्सागनल रिंग थी ना यहाँ पे टेट्राहाइड्रल रिंग्स होंगी मीन्स हर कार्बन एटम चार कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ वहाँ पे छः रिंग्स बन रही थी ना छः कार्बन एटम्स की रिंग बन रही थी यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मींस देखिए एक दो तीन चार चार कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए मींस वहाँ पे एक हेक्सागनल रिंग थी बेसिकली ये है इसे कहेंगे हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन्स डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल वहाँ पे ग्रेफाइट में क्या था हर कार्बन एटम तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था एक कार्बन मीन्स मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम का फ्री था मीन्स हर कार्बन एटम तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ था हर कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री था मीन्स चार होते हैं ना मीन्स चार के साथ जुड़ना चाहिए था मीन्स हर कार्बन के पास चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अब चार के साथ जुड़ेगा तो आठ वेलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा पर ग्रेफाइट में क्या होता है कि हर कार्बन एटम तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पर यहाँ पे हर कार्बन एटम डायमंड में चार कार्बन एटम्स के साथ ही जुड़ा हुआ है इस कारण इस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमंड इज़ नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसका रिंग स्ट्रक्चर था ग्रेफाइट का रिंग स्ट्रक्चर था इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बेसिकली अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको आगे और पेपर में आपने शो करना है तो आपको ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा ये ऐसा आप स्क्रीनशॉट खींच ले या फिर पॉज वीडियो पोज करके आप इसको ड्रॉ कर लेगा और पेपर में अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आ गया तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता रहा हूँ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसा शो कर देंगे ये देखिए ये ऐसा शो कर देंगे मीन्स फर्स्ट रिंग सेकेंड रिंग थर्ड रिंग फर्स्ट लिंग का रिंग थर्ड रिंग के साथ होगा ये याद रखना मीन्स फर्स्ट लिंग एक रिंग एकदम थर्ड ओवरलैप करेगी थर्ड रिंग के ऊपर मीन्स ये रिंग स्ट्रक्चर होता है उसका कौन सा स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल uh, स्ट्रक्चर था अब हमारा अगला आपको बता देते हैं बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं वो भी अगला एलोड्रॉप ऑफ कार्बन है बक मिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर आपको दिखाने वाला हूँ सो बकमिंस्टर फुलरिन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये हमारी कौन सी बास्केट uh, ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बॉल के तरह होता है। carbon C60, carbon atom, होते हैं बेसिकली कार्बन सी कार्बन एटम छः 60 कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्वेंटी हेक्सागनल और ट्वेल्व पेंटागन्स अभी बताता हूँ हेक्सागन पेंटागन्स क्या है ये इमेज देखिएगा ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है यहाँ पे ये फोटो देखिए मींस यहाँ पे बकमिंस्टर फुल रीन में ऐसे सिक्सटी आइटम्स ये फुटबॉल की शेप में होते हैं और ये इसमें देखो ये आपको ये जो सी नज़र आ रहा है ये पेंटागॉन है एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन मीन्स पेंटागॉन और हेक्सागॉन देखिए ये आपको हेक्सागन नज़र आ रहा होगा एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ पे छः लाइंस मीन्स ऐसे पेंटागनल रिंग्स होती हैं और हैक्सागनल रिंग्स में ये अरेंज्ड होता है और बेसिकली कितने हेक्सागन होते हैं इसमें ट्वेंटी हेक्सागन होते हैं ट्वेल्व पेंटागन होते हैं मीन्स जन सा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है रिंग्स वाला और ये बेसिकली बास्टबॉल ये फुटबॉल की शेप में होता है बकमिंस्टर फुलरीन सो so, आज हमने करे एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन एलोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन कार्बन के हमने तीन एलोट्रॉप डिस्कस करे और उनका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है और बट जबकि ग्रेफाइट बहुत स्लिपरी सबस्टान्स है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उसका रिंग स्ट्रक्चर है और उसके बीच में फोर्स बहुत कम है मीन्स वेंडरवाल फोर्सिस कम है जिसकी वजह से वो स्लिपरी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है हर कार्बन एटम चार कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा पर जो जोनसा हमारा ग्रेफाइट है उसमें हर कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है मींस एक यानी इलेक्ट्रॉन फ्री में बैठा हुआ है जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है पर ग्रेफाइट में कार्बन एटम जोन सा है आगे कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है तीन कार्बन ऐटम से जुड़ा हुआ है चौथा कार्बन एटम मींस चौथा मेन मींस हर कार्बन एटम को चार के साथ जुड़ा होना चाहिए था अब ये तीन के साथ जुड़ा है चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसकी वजह से जोन सा ग्रेफाइट है दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट्स इट